जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह डेज़ को आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से डेज़ इनपुट करेगा और उन डेज़ को फिर कन्वर्ट कर देगा मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। प्रोग्राम टू फाइंड कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा ही कि एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं और एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक जो हमारे काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो इनपुट करना है वो इनपुट करना है डेज़। तो यहाँ पे हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर करवाएंगे इंट डेज़ के नाम से, फिर आवर्स के नाम से, फिर मिनट्स के नाम से और फिर सेकंड्स के नाम से, सेकंड्स। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ डेज डेज। ठीक है जी, अब डेज तुम्हारे पास आ गए हैं, डेज को हमने कन्वर्ट करना है किस में, आवर्स के अंदर। तो आवर्स जो हमारे पास बनेंगे वो होंगे जितने भी हमारे पास डेज आए हैं। हमें ये पता है कि एक डे में तकरीबन 24 आवर्स होते हैं, लिहाजा हम डेज को जितने भी डेज होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, तुम्हारे पास जब आवर्स निकल आएंगे। ठीक है, जब हमारे पास आवर्स आ गए हैं और उसको जब हमने मिनट्स में से कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि एक आवर के अंदर जो मिनट होते हैं वो होते हैं 60, तो हम आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। और इसी तरह हमें पता है कि सेकंड निकालने के लिए एक मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड होते हैं, लिहाजा हम उसको भी जितने भी मिनट्स आएँगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम जब स्क्रीन पर शो करवा लेंगे, नंबर ऑफ डेज आर, जो नंबर ऑफ डेज आपने एंटर किए थे वो थे परसेंटेज डी और वो कितने थे ये वाले डेज वाले। तो यहाँ पे हम इसको जब कॉपी कर लेंगे, सिमेट्री जो है ना वो प्रोग्राम में बिल्कुल रखनी है, बिल्कुल मतलब सेम आपने जो लाइन जा रही है जो बिल्कुल सही सेम हो, आगे पीछे ना होता कि आपको प्रोग्राम क्रिएटेबिलिटी में आसानी हो। ये ना हो कि एक लाइन आगे जा रही है, एक लाइन किधर जा रही है, एक लाइन किधर जा रही है, और जो काम जहाँ पर आ रहा है वह बिल्कुल जाना वाला अलहदा हो। जिस तरह यहाँ पर वैल्यू इनपुट हो रही है ये अलहदा है, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन हो रही है ये अलहदा है, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ को शो करवाया जा रहा है ये अलहदा है। तो इस तरह चीज़ों को जब आप डिफ्रेंशिएट रखेंगे तो प्रोग्राम आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कम्प्लेक्स नहीं होगा, आपको बाद में भी जब भी आप चाहेंगे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ आवर्स आर आवर्स आ गए, नंबर ऑफ मिनट्स आर और नंबर ऑफ सेकंड्स आर, सेकंड्स कितने बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे पहले डेज आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे शो करवा लेंगे आवर्स, फिर यहाँ पे मिनट्स और फिर यहाँ पे सेकंड हम शो करवा लेंगे। ठीक है जी, तो हमारा हर डाटा न्यू लाइन पे शो हो जाए, लिहाजा हम यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देंगे। ठीक है, ये था सिंपल सा प्रोग्राम, अभी इसको रन करेंगे तो देखते हैं जी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। कहता है एंटर नंबर ऑफ डेज, अगर मन करते हैं जी तो कहता है तकरीबन वन डे, एक दिन के अंदर डे तो एक ही होता है, तकरीबन 24 आवर तो होते हैं और मिनट्स जो बनते हैं 1440 और सेकंड बनते हैं जी 8,6400। ठीक है जी, तकरीबन इतने जो है वो आपके दिन बनेंगे, सेकंड्स बनेंगे एक मिनट के अंदर।
एक दिन के अंदर। फिर दोबारा ना करते हैं, अगर हमारे पास 15 डेज हों तो 15 डेज थे हमारे पास और उनके जो आवर्स बने वो बने 360, और उनके बाद जो है वो मिनट्स बने 2160 और सेकंड्स बने 129 एंड 60,000। ठीक है जी, अब यहाँ भी हम इसको दोबारा फिर रन करते हैं, हम एक वीक में देखेंगे। तो आपको पता कि एक वीक में जो है वो 7 दिन होते हैं, ठीक है जी। तो हम वीक्स में भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेज़ को हमने वीक्स में भी कन्वर्ट करना, तो वीक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो हम वैसे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर करेंगे। हम ईयर्स को वीक्स में और मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। तो 7 डेज हमारे पास हों तो आवर्स बनेंगे 168 और मिनट्स बनेंगे 1080 और सेकंड्स बनेंगे ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम, आप इस तरह जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, एक यूनिट को दूसरे के अंदर, किलोमीटर को मीटर्स में, मीटर्स को किलोमीटर्स में, और सेंटीमीटर को इंचज में, इंचज को सेंटीमीटर्स में। आप ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, जहाँ भी आपको प्रोग्राम नज़र आते हैं इस तरह के, उनके बैकएंड पे इसी तरह की लॉजिक होती है। तो ये आप जब सीख जाएंगे तो आपको वैसे प्रोग्राम बनाना भले ही आ जाएंगे, ठीक है जी। ओके जल्ला हाफिज़।